नमस्कार दोस्तों, जैन आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है पिल्ला तन्मय। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक साइकिल कैसे बनाया जाता है। कोई भी सेकेंड हैंड साइकिल या आपका जो करंट साइकिल है उससे अगर आपको अपग्रेड करना है, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना है, किसी भी स्क्रैप साइकिल रहा जो इधर उधर से आपको मिल जाए कहीं से, तो उसका आप इलेक्ट्रिक में कैसे बना सकते हैं। तो ये मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है आदित्य सामंत, उसने ये प्रोजेक्ट के बेसिस पे बनाया था ये साइकिल। तो ये नॉर्मली एक स्क्रैप में मिल गया था उसको, तो उसने इसको कन्वर्ट करके फुली इलेक्ट्रिक कर दिया है। तो आज इससे पूछेंगे हम और इससे जानेंगे कि कैसे बनाया, क्यों बनाया और इसके बनाने के लिए फ़ायदा क्या क्या है बनाने के बाद। तो पहले अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देगा, फिर आगे बढ़ते हम कि इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है। तो इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य सामंत है, मैं बी इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो हमारा जो राइडिंग सेंस है वो बहुत ईजी कर देते हैं, और अभी जो पेट्रोल के प्राइसेस हाइक हो गए उसके लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव है कि हम लोग इलेक्ट्रिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे स्विच कर सके। सो ये एक बेसिकली एक रस्टेड साइकिल था, स्क्रैप में पड़ा हुआ। मैंने इस साइकिल को स्क्रैप से लिया है और इसको पूरा चेंज करके इसको इलेक्ट्रिक में ट्रांसफॉर्म किया। अगर आपके पास कोई पड़ा हुआ साइकिल रहेगा तो आप उसको भी इलेक्ट्रिक में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी साइकिल इलेक्ट्रिक में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसको इलेक्ट्रिक में ट्रांसफॉर्म करने के सिर्फ दो रीजंस थे, एक जो अभी कॉस्ट बढ़ रहा है पेट्रोल का वो, और दूसरा एक राइडर को बाइक की तरह एक्सपीरियंस आना चाहिए। और नॉर्मल इसमें आपको पेडलिंग वाला मोड भी मिल सकता है, तो जो आपको साइकिल का फील था आपका, वो साइकिल का फील भी आपका नहीं जाएगा और आपको जो बाइक का फील था वो भी आपका फील हो जाएगा। सो इसे जो बनाने का टाइप है, उस बनाने के टाइप को हम रेट्रोफिट बोलते हैं, रेट्रोफिट फिटिंग। सो ये एक रेट्रोफिट साइकिल है। थैंक यू। तो बस आगे देखते, आगे वीडियो में बढ़ते और क्या क्या इसमें यूज़ हुआ है वो देखते, तो आखिर तक ज़रूर देखना। और हाँ, ये मेरा पहला व्लॉग है तो ज़रूर सपोर्ट करना और आखिर तक देखना, और फिर स्प्रेड भी करना जितना हो सके उतना, तो इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा मिलता रहेगा। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ताकि आपको भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आगे देखने को मिल सके। तो हमारे ऑडियंस को ये बता दे कि तूने मॉडल क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या क्या एक्सेसरीज़ यूज़ किए और कितना टाइम तुझे लगा है, तो पूरा स्टार्ट टू एंड तक थोड़ा शॉर्ट में बता। तो ये मॉडल जो था ये मैंने मेरे कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, क्योंकि हमारा जो मिनी प्रोजेक्ट था उसमें हमें बताया था कि आपको एक फ्यूचर ड्रिवन कुछ प्रोजेक्ट करना है। तो हमने सोचा था कि गवर्नमेंट जैसे इनिशिएटिव ले रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो हम भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में एक छोटा सा स्टेप लेंगे। तो तभी मैंने ये इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने का सोचा था। ये जैसे मैंने पहले बताया वीडियो में कि ये साइकिल पूरा मैंने स्क्रैप से लिया था। तो ये जो साइकिल था उसमें जो नॉर्मल साइकिल रहता है कि जो पीछे का टायर था वो मैंने, ये जो पोर्शन रहता है टायर का वो मैंने कट करके बस इसको एक एक्सटेंड किया, क्योंकि ये जो दूसरा टायर मैंने इसमें लगा है ये कस्टमाइज टायर है, क्योंकि ये जो हब मोटर है इसमें वो टायर जो उसमें जो स्पोक्स बैठते हैं वो एक बाइक के टायर में फिट होते हैं। तो ये जो टायर है वो स्प्लेंडर का टायर का टायर और रिम है, तो उसमें ये मोटर मैंने फिट किया है। और ये जो टायर का स्पेस होता है वो बढ़ जाता है, तो जो पीछे का फोर्क होता है उसको हमें एक्सटेंड करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने जो उसका जॉइंट होने का पोर्शन है वो काट के उधर एक मेटल प्लेट लगा के उसको एक एक्सटेंशन दे दिया है। और सेकेंडली फिर इसमें जो अलग अलग चीज़ें मैंने यूज़ की है इसको कन्वर्ट करने के लिए, वो है ये बैटरी। ये बैटरी के अंदर एक कंट्रोलर है, मोटर कंट्रोलर। दूसरा ये हब मोटर है, और ये जो है वो हमारा एक थ्रॉटल है जो नॉर्मल बाइक के लिए थ्रॉटल रहता है वो। और इधर एक की स्विच है जो एक सिस्टम को ऑन या ऑफ करता है। अभी इसमें थोड़ा अगर हम इलेबरेट करें तो ये जो मैंने चेन सिस्टम है उसको वैसे ही रखा है, क्योंकि जब हम एक ट्रेडिशनल साइकिल का फील रहता है हमें कि जो साइकिल चलाने का जो पैडलिंग साइकिल का रहता है वो भी इसमें से ना जाए और मुझे इलेक्ट्रिक की तरह भी साइकिल को यूज़ करने मिल सके, इसलिए मैंने इसमें पैडल असिस्ट भी रखा है। अभी इलेक्ट्रिक साइकिल्स दो टाइप के होते हैं, जो एक रहता है कि फुली इलेक्ट्रिकली ड्रिवन जिसमें पैडल असिस्ट नहीं होता है, और दूसरा होता है कि जो ये पैडल असिस्ट वाला साइकिल है वो कि आप इलेक्ट्रिक मोड पे भी चला सकते हो उसको और पैडल असिस्ट में भी चला सकते हैं। जब भी आप फॉर एग्जांपल आप थक जाते हो तो तभी आपको जब पैडल मारने की ताकत नहीं रहती तब इलेक्ट्रिक मोड पे इसको चला सकते हो। अभी ये जो साइकिल के जो स्पेसिफिकेशंस अगर आप डिटेल में देखने जाओ तो ये जो मोटर है वो 24 वोल्ट 250 वाट का मोटर है, और ये जो मेरा बैटरी पैक है वो लिथियम फॉस्फेट का बैटरी पैक है जो ये मैंने खुद ने बनाया है इस बैटरी पैक को। अभी इसका जो साइकिल का रेंज हम बोलते हैं वो रेंज है इसका ऑलमोस्ट 25 टू 30 किलोमीटर्स, और ये जो वेट बेयर कर सकती है ये पूरा जो मॉडल है जो ये वेट ड्राइव कर सकता है वो वेट का ऑलमोस्ट 132-135 केजीज है। अभी इस साइकिल में जो दूसरी चीज़ है आप देख सकते हो कि आगे के इसमें नॉर्मल मैकेनिकल ब्रेक्स हैं और पीछे को कोई ब्रेकिंग सिस्टम दिख नहीं रहा, बट लेकिन ये जो मोटर में कंट्रोलर जो मैंने यूज़ किया है इस कंट्रोलर का एक फीचर है, इसमें इलेक्ट्रिक ब्रेक्स करके सिस्टम रहता है। तो ये जो ब्रेक है उस लीवर में से वायर्स निकल रही है, तो वो जो वायर्स है वो जब ब्रेक हम प्रेस करेंगे तो वो कॉन्टैक्ट स्विच हो जाएगा और इलेक्ट्रिक ब्रेक्स इसके एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये जो मोटर है वो स्लो डाउन होगा, और जब हम मैकेनिकल ब्रेक भी अप्लाई करेंगे तो वो इवेंचुअली सिस्टम को स्लो डाउन करते करते आपकी साइकिल स्लो हो जाएगी। इसका जो मैक्स स्पीड हम कंसिडर करते हैं वो 30 किलोमीटर्स पर आर इसका मैक्स स्पीड है, और
ये चार्जिंग चार्जेबल बैटरी है। सो इसका जो चार्जर है वो 10 एम्पियर आर का चार्जर है। तो अभी इसको फुल चार्ज होने के लिए जो टाइम लगता है वो ऑलमोस्ट 2 आवर्स है। 2 आवर्स में ये आपको 30 किलोमीटर्स का रेंज दे सकता है। और इसका जो चार्जिंग कॉस्ट है वो राउंड अबाउट 4 to 5 रुपीज़ है सिर्फ, कि आप 4 to 5 रुपीज़ में पूरा 30 किलोमीटर्स की 30 किलोमीटर्स का जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। अभी ये साइकिल क्यों मैं सजेस्ट करूँगा कि किसी भी कॉमन मैन को, बेसिकली अगर अभी आप देखोगे तो आपका जो डेली का ट्रैवलिंग रूटीन रहता है वो 30 किलोमीटर्स या उससे ज़्यादा नहीं होगा, राउंड अबाउट देख लीजिए 40 किलोमीटर्स रिटर्न आने का, 20 किलोमीटर जाने का, 20 किलोमीटर आने का। तो हम लोग अगर ऐसा एक्सपेक्ट करें कि ये 30 किलोमीटर्स का रेंज दे और जो बचे 5 किलोमीटर्स है वो हम साइकिलिंग करके भी चल सकते हैं, तो आपका जो हेल्थ है वो भी मेंटेन होगा और आपका जो ड्राइविंग करने का जो रूट है वो भी आपका कवर हो सकता है। अभी इसमें और दो चीज़ें हैं कि कॉस्ट अगर आप बोलोगे तो इसका जो कॉस्ट अगर मैं आपको बता दूँ तो ये आपको किट आता है पूरा, आपको इंडिया मार्ट पे अलग अलग बायर्स से किट मिल जाएगा। तो ये किट में बेसिकली मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें ली है, जैसे कि थ्रॉटल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, की स्विच, बैटरी, मोटर कंट्रोलर और मोटर, ये बेसिक चीज़ है। आपको इसके साथ अलग अलग चीज़ें मिल सकती है कि इलेक्ट्रिक डिस्प्ले मीटर होता है, सिग्नल लाइट्स होते हैं, ये सब एक्स्ट्रा एक्सेसरीज है। अगर आपको चाहिए रहेगा तो भी ले सकते हैं, नहीं चाहिए रहेगा तो नहीं लिए तो भी कुछ ये नहीं होता है। अभी इसका सबसे मेन बेनिफिट तो ये है कि आपको इसके लिए ना लाइसेंस लगता है ना रजिस्ट्रेशन लगता है। सो ये कोई भी एज ग्रुप के बच्चे या फिर जो ओल्ड पीपल है या फिर जो वर्क कंपनीज जाने वाले लोग हैं वो ये प्रेफर करते हैं। तो दैट्स इट, एनी क्वेश्चंस? तो ये सिर्फ इंडिया मार्ट में मिलेगा या कहीं और भी मिल सकता है, और इसका प्राइस कौन से रेंज से कौन से रेंज तक मिल सकता है? एक्चुअली अगर बजट में लेने का है किसको तो कितना रहेगा, अगर हाई एंड लेने का है जैसे और ज़्यादा पावरफुल मोटर लेने का है तो वो कैसे कितने रेंज में मिल सकता है? सो ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन इसमें यूज़ किया, सबसे लीस्ट क्या बोल सकते हैं आप जो पावर के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो है इसमें यूज़ किया। ये 250 वॉट का मोटर है 24 वोल्ट का, ये सबसे लीस्ट स्पेसिफिकेशन वाला आता है। इसमें अगर आप ज़्यादा पावर या ज़्यादा टॉर्क जो भी अगर आपको चाहिए रहेगा, ज़्यादा वेट या ज़्यादा स्पीड के लिए, तो उसके लिए आप आगे जा सकते हैं। जैसे 36 वोल्ट का मोटर होता है, 500 वॉट्स की मोटर होती है, वो स्पेसिफिकेशंस में। अभी ये जो बेसिक किट मैंने लिया है इसका बैटरी का कॉस्ट मुझे आया था 6500 तक पूरा BMS के साथ पूरा बैटरी ये करके। और जो मोटर किट जिसमें इंक्लूड होता है कि मोटर, आपका स्पीड कंट्रोलर, ये जो की स्विच है वो जो आपका थ्रॉटल है, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स है, ये सब मुझे आया था टोटल 7000 में। सो आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉस्ट के मिलेंगे। आप इंडिया के मेड इन इंडिया भी ले सकते हैं, आप चाइना वाले जो थे वो अभी तो बंद कर दिए पूरे एक्सपोर्ट उसका, तो मैं तो उसे सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेड इन इंडिया वाले ज़्यादा आपको बैटरी लाइफ और जो आपका प्रोडक्ट लाइफ है वो ज़्यादा दे रहे हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा इंडियन मेड साइकिल्स और इंडियन मेड जो भी है वो। अभी आप इसमें जो यूनिक देखोगे वो ये है कि आपको कोई दूसरा मार्केट से साइकिल खरीदना नहीं है। आपके पास जो साइकिल पड़ा हुआ है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो किसी रीजंस के वजह से, तो उसी साइकिल को आपको बस चेंज करना है और आप उसको एक नॉर्मली बाइक की तरह चला सकते हो। एक टेस्ट राइड लिया, फास्ट कितना है और एवरेज स्पीड कितना चेक करने के लिए, तो मैक्स स्पीड और एवरेज स्पीड आप देख सकते हैं नीचे बाजू में। तो बस आज वीडियो में इतना ही बताने का था, तो उम्मीद है आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन पता चल गया। अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ डाउट रहेगा तो आप नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या तो फिर मैं नीचे इंस्टाग्राम आईडी इसका डाल दूंगा तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जाके इसको भी कमेंट में या तो फिर डायरेक्ट मैसेज करके आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो अगर कुछ डाउट है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो बस देखते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको आगे भी जाके इन्फॉर्मेशन मिल सके। यही वीडियो जो अभी मैं दिखा रहा हूँ उसका सेकंड पार्ट बनाने वाला हूँ, उसमें हर एक पार्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है, वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना और वो भी वीडियो शेयर करना ताकि आप भी अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक साइकिल फ्यूचर में या तो फिर अभी तुरंत बना सकें।